हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि बरसात के दिन में दाल में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। दाल को हम कढ़ाई में हल्का भून दे रहे हैं जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा। ऐसे इसमें हम धूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन धूप दिखाने से दोबारा डर रहता है फंगस लगने का। लेकिन हम इसको कढ़ाई में हल्का भून देंगे तो इसमें फिर दोबारा हमको डर नहीं रहेगा कि इसमें कुछ भी कीड़ा या फंगस कुछ भी लगे। देखिए, हल्का पाउडर जैसा ये हो गया था, तो इसको हम चलने से चाल दिए हैं। और अरहर के दाल तो भूंज के ही बनते हैं, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए, हम ये अच्छी तरह से इसको भून दिए हैं। और ये कुछ मूंग दाल भी रखे हुए थे, उसको भी हम इस तरह से गरम मतलब कि कढ़ाई में भून देंगे ताकि इसमें भी फंगस या कीड़ा नहीं लगे। और ये जब अच्छा से ठंडा हो जाएगा भूनने के बाद, तब हम इसको किसी डिब्बे में रखेंगे। और दाल को भूनने के बाद इसको हम चादर पे फैला के रख देंगे। अभी अब हम खाना बनाने की तैयारी में लग गए हैं। तो देखिए, कढ़ाई साफ़ करके इधर हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो पकौड़ी के लिए पहले से बेसन घोल के रख दिए थे ताकि ये अच्छे से फूले हुए फूल जाएंगे। तो देखिए, इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाले थे और इसको फेंट के अच्छे से हम रख दिए थे ताकि ये जब तक दाल भूनेंगे तब तक ये अच्छे से सेट हो जाए, मतलब कि फूल जाए। क्योंकि कढ़ी वाला पकौड़ी जितना सॉफ्ट होता है उतना ही कढ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो देख लीजिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसको पकौड़ी को छोटा छोटा बना लेंगे और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, तुरंत बन जाता है, देखिएगा आप लोग। तो देखिए, तल चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे प्लेट में। उसी तरह से एक बार और हम इसको बना लेंगे। तो देखिए, दो बार हम पकौड़ी को छान लिए और इतना बेसन बच गया है फ्रेंड्स। तो इसको हम कढ़ी, जो कढ़ी बनाएंगे उसी में मिला देंगे। देखिए, उसमें दही है, खट्टी दही है, क्योंकि कढ़ी तो खट्टे दही में ही अच्छा लगता है। और इसमें हम 2 चम्मच बेसन को डाल रहे हैं क्योंकि कढ़ी के लिए ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये फैलता है, गाढ़ा हो जाएगा। और उसमें हम ये बेसन, जो पकौड़े वाला बेसन बच गया है, उसको भी हम पानी मिला के सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। पानी उसमें और ऐड करेंगे हम अभी। और उसमें काली मिर्च का पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और लहसुन का हल्का पेस्ट डाल देंगे। तो देखिए, इसमें हम सब मसाला को डाल दिए हैं। मसाला डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी डालेंगे, क्योंकि पहले पानी डाल देंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। पानी डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें न रहे। और देखिए, इसमें हम अभी और पानी को डालेंगे क्योंकि ये अभी ज़्यादा गाढ़ा है।
जो भी बर्तन यहाँ पे फालतू रखे हुए हैं, मतलब कि धोने वाले बर्तन, उस सबको हम यहाँ पर से हटाते जा रहे हैं ताकि यहाँ पर अच्छा से साफ़ रहे। और इधर देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा और मिर्च का फ़ोरन डाल देंगे। और जीरा और मिर्च जब चटक जाएगा अच्छे से, तो हम इसको कढ़ी वाला जो घोल बना के रखे हैं उसको भी डाल देंगे। तो देख लीजिए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी को और ऐड करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से जब तक खौलेगा नहीं, पकेगा नहीं, तब तक अच्छा टेस्ट इसमें नहीं आता है। ये अच्छा से खौलना चाहिए। तो देख लीजिए इधर, और अब इसमें हम नमक को भी डाल देंगे। नमक इसलिए हम पहले नहीं डालें क्योंकि क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि नमक हम पहले डाल दिए तो दही, ये जो कढ़ी होता है वो फट जाता है, और ये पानी अलग और ये गाढ़े वाला अलग हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, मिला हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए हम अभी लास्ट में नमक डाले हैं। तो कढ़ी को हम अच्छे से 10 मिनट तक खौला दिए हैं। अब इसमें पकौड़ी डाल देंगे, क्योंकि पकौड़ी भी बहुत एकदम सॉफ्ट है, इसलिए पहले डालते तो और भी टूट जाता है इसमें, इसलिए हम पहले नहीं डालें। और इसको गैस का फ्लेम हम कम कर दिए हैं। और इधर देखिए हम आलू का भुजिया बनाने जा रहे हैं, क्योंकि चावल कढ़ी तो सिर्फ कोई खाएगा नहीं, तो आलू का भुजिया हो जाएगा। तो हम कढ़ी चावल और आलू का भुजिया भी बना देंगे। उधर चावल भी चढ़ा हुआ है, आप लोग को दिखा देंगे। तो भुजिया के लिए भी उसमें जीरा मिर्च का फ़ोरन डाल दिए हैं। इधर कढ़ी भी खोल रहा है, और जब वो चटक जाएगा तो उसमें हम आलू भुजिया डाल देंगे, आलू का भुजिया जो बना रहे हैं। इसको डाल के थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से सीझ जाए। और इधर देखिए दाल को हम चादर पर अच्छे से फैला दिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, तब हम इसको डब्बा में रखेंगे। आप लोग देख लीजिए, इधर चावल भी बन रहा है, उधर भुजिया बन रहा है, कढ़ी भी बन चुका है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कोई गलती लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। फ्रेंड्स नया चैनल है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग को और अच्छी अच्छी वीडियो और रेसिपी आप लोग को देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।